नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित दी केशवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 28 दिसंबर 2021 की रात आपके लिए काफी यादगार रहा। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कानून को लागू कर दिया, जिसे आप नेटवर्क मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, जिसे आप मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। और इस कानून के लागू होते ही आपके मन में एक डर आ गया। वो डर क्या आ गया? क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज इंडिया में बैन हो जाएंगी इस कानून के बाद? क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी है, बहुत सारे न्यूज देखे हुए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि ये कानून के आने के कारण अब इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और आज आप चाहे जिस कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे मोदी केयर, चाहे वेस्टीज, चाहे आरसीएम, चाहे एमवे, चाहे ओरिफ्लेम, चाहे टपरवेयर, वट एवर द कंपनीज यू आर वर्किंग ऑन, आपको डर आ गया है कि अब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपके दोस्तों ने भी आपको मैसेज किया होगा, आपको कॉल किया होगा कि भाई तुम्हारा तो धंधा बंद हो गया, अब तो तुम रोड पे आ गए। ऐसा कहा है या नहीं कहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे कई लोगों ने मैसेज किया, कई लोगों ने कॉल किया और उन्होंने पूछा कि सर आप इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाइए और मुझे बताइए क्या हमें अब नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इन बातों का सही मतलब बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी, उसमें से सही गलत को अलग किया, सही और गलत को अलग किया। और जो बातें मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, वो सारे एनालिसिस सुनने के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ज्वलनशील मुद्दों पर। मुद्दा क्या है जो आपके मन में आ रहा है, जान लीजिए। क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में बैन हो गई, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, क्या अब हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तीसरा मुद्दा, कौन सी कंपनीज बैन हो गई है, एमवे, वेस्टीज, मोदी केयर या कोई और कंपनी, क्या ये बैन हो गई है। चौथा, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो क्या हमें जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में है, जिसका आंसर इस वीडियो में जरूर लेके जाइएगा। ठीक है, तो वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं, ताकि आपके मन का भ्रम दूर हो जाए, आपके मन का डर खत्म हो जाए और आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है या नहीं करना है यह भी पता चल जाए फाइनली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट सेलिंग का कानून आया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ें, तो उसमें सारी बातें स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं कि कौन सी कंपनीज इलीगल कहलाएगी, कौन सी कंपनीज लीगल कहलाएंगी। तो सरल शब्दों में मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी कंपनी इलीगल होगी। कंपनी क्या कह रही है, गवर्नमेंट क्या कह रही है आपसे, कि जो लोग भी मनी सर्कुलेशन का काम कर रहे हैं वो सारी कंपनीज इलीगल कहलाएगी। सरल शब्दों में समझो, जो लोग भी मनी सर्कुलेशन मतलब पैसे के बदले में पैसा का ट्रांसफर कर रहे हैं, या आपको ये सपना दिखा रहे हैं कि बिना काम किए हुए नॉन वर्किंग प्लान है, आप बस आईडी लगा के छोड़ दो, 10 साल बाद आप करोड़पति हो जाओगे, ये सारी कंपनीज बंद हो जाएंगी अगले 90 दिनों में। याद रखिएगा, अगले 90 दिनों में अगर इन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया या अपने तौर तरीकों को नहीं बदला, तो ये सारी कंपनीज बंद हो जाएंगी। तो मनी सर्कुलेशन की जितनी भी कंपनी है, उन लोगों को डरने की जरूरत है। अब किनको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो जो इंडियन गवर्नमेंट के रूल एंड गाइडलाइंस को फॉलो करता है, जैसा कि आपको पता है कि 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ऑलरेडी कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ था, जिस गाइडलाइंस को आधार बना के बहुत सारी लीगल एंड जेन्युइन कंपनी इंडिया में रन कर रही थी, उसी गाइडलाइंस के तहत। उस गाइडलाइंस में क्या क्या था कि आपका एक ऑफिस इंडिया में होना ही चाहिए, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो
इंडियन में ही मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट को 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे गाइडलाइंस वहां पे बनाए गए थे और जो बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी फॉलो कर रही हैं, चाहे वो वेस्टीज हो, चाहे वो मोदी केयर हो, चाहे वो आरसीएम हो, ये सारी कंपनीज फॉलो कर रही हैं। तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूं कि इंडिया में क्या नेटवर्क मार्केटिंग बैन हो गया है, क्या इलीगल हो गया है? इसका आंसर है नहीं, इलीगल नहीं हुआ है। अगर आप पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट मिल रहा है तो आपकी कंपनी इलीगल नहीं है, आपकी कंपनी लीगल है अगर आपको गुड्स या सर्विसेज दे रही है एज पर द गवर्नमेंट रूल। अगर कोई भी कंपनी पैसे के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज आपको दे रही है तो वो कंपनी इलीगल नहीं कहलाएगी। तो चाहे एमवे में आप काम कर रहे हो, चाहे वेस्टीज में काम कर रहे हो, चाहे आरसीएम में काम कर रहे हो, ये कंपनीज के पास प्रोडक्ट हैं और आपको पैसे के बदले ये कंपनी प्रोडक्ट्स दे रही है तो ये कंपनी इलीगल बिल्कुल भी नहीं है, बैन बिल्कुल भी नहीं हुई है। जो गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस आई है उसमें यह भी बोला गया है अगर कोई भी कंपनी आईडी क्रिएट करने के नाम पे पैसा वसूल रही है तो वो इलीगल कहलाएगी। और जैसा कि मुझे पता है ना ही मोदी केयर आपको आईडी क्रिएट करने का पैसा मांगती है, ना ही वेस्टीज मांगती है, ना ही तो आरसीएम मांगती है। जितनी भी जेन्युइन कंपनी है वो आपसे आईडी क्रिएट करने का पैसा नहीं मांगती है, वो सिर्फ आपसे प्रोडक्ट का पैसा लेती है, प्रोडक्ट का पैसा लेती है। दूसरी बात कंपनी ने क्या कहा, दूसरे गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो जितनी भी पिरामिड स्कीम वाली कंपनीज हैं उनके ऊपर भी बैन लगेगा। एक्चुअली मुद्दा यहीं से फंस गया है क्योंकि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें पिरामिड स्कीम की डिफिनीशन दी गई हुई है। डिफिनीशन क्या दी गई हुई है कि जो लोग भी अपने नीचे लोगों को जोड़ेंगे, सपना दिखाएंगे कि तुम करोड़पति हो जाओगे और पैसा डायरेक्ट अपलाइन को पहुंचेगा जो सबसे पहले उस लीग में है, वो सारी कंपनीज पिरामिड कंपनीज कहलाएगी। यहीं से सबसे बड़ा कंफ्यूजन आ गया हुआ है क्योंकि हम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं, वो एक से ज्यादा लोगों का ही होता है। मतलब टीम वर्क से ही आपको पैसा आ रहा है और अगर टीम वर्क से पैसा नहीं आएगा तो भैया फिर किस बात का नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि गवर्नमेंट का जो नया रूल कह रहा है कि डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक माल जाना चाहिए, आप डायरेक्ट रिटेलिंग कर सकते हैं, टीम नहीं बना सकते हैं, ये ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए यहां पे कंफ्यूजन आ गया हुआ है। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है, मुझे नहीं, अभी इसके ऊपर चर्चा चल रही है, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी चर्चा चल रही है, इसमें नए अमेंडमेंट्स आएंगे या इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन आएगा कि कौन कौन सी कंपनीज को लीगल कैटेगरी में रखा जाएगा। और आपको डरने की जरूरत नहीं है। जरा सोचिए, अगर इंडियन गवर्नमेंट को सच में नेटवर्क मार्केटिंग को बैन करना होता तो ये गाइडलाइंस की जरूरत क्या है, ये कानून की जरूरत क्या है? सिंपल सा एक लाइन में स्टेटमेंट दे दिया गया होता कि भैया कल से डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इंडिया में बैन हो गई है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं गया। गवर्नमेंट्स ने सेट ऑफ रूल्स दिए हुए, सेट ऑफ गाइडलाइंस को जारी किया गया है। मतलब अगर बैन ही करना होता तो भी कानून निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कॉमन सेंस का यूज करें, कॉमन सेंस का यूज करें। कानून इसलिए बनाया गया है ताकि जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे पैसा वसूल रही थी, चिट फंड कर रही थी, नॉन वर्किंग प्लान कर रहे थे, वो सारी कंपनीज हट जाए। मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसलिए ये सारे कानून लाए गए हैं और आपको खुश होना चाहिए। अब आपके बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पहचान मिल गई है क्योंकि कानूनी रूप से अब ये कानून के संरक्षण में आ गया है। इसमें जो भी फ्रॉड होगा उसके खिलाफ गिरफ्तारी हो सकती है, उसके खिलाफ आप FIR कर सकते हो। कहीं भी अगर चिटफंड का काम हो रहा है तो आपको खुश होने की जरूरत है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं, क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग आगे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो मैं बिल्कुल आपको कहूंगा कि आपको करनी चाहिए क्योंकि इलीगल नहीं हुआ है। 90 डेज में, अगले 90 दिनों में इसके बारे में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा गवर्नमेंट से, देख लेना, जिसमें आपको और क्लेरिफिकेशन दिया जाएगा कि हर एक कानून का मतलब क्या है। तो तब तक डरने की जरूरत नहीं है आपको। इस कानून में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो डरने वाली बात है। बाकी एक चीज मैंने आपको बताया है, जो स्टेटमेंट कंपनी ने, एक पेज मिस हो गया, मुझे लगता है एक पेज मिस हो गया कि कौन कौन सी कंपनीज को पिरामिड स्कीम नहीं मानी जाएगी, वो पेज मिस हो गया है जो कि गाइडलाइंस में था
जब इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 में गाइडलाइंस को जारी किया था उसमें था, लेकिन यहाँ पे क्लेरिफिकेशन नहीं है, रूल है क्लेरिफिकेशन नहीं है, जिससे हमारे और आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा है, तो डरिए बिल्कुल भी नहीं। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। तो दोस्तों, जैसा कि नया कानून आया उसमें लिखा गया है कि जीएसटी, आपके पास जीएसटी रिटर्न होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा, किस तरह होगा, क्या हर लोगों को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, इसके बारे में अभी कोई भी ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन नहीं है। जैसे ही आती है उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, हो सकता है जीएसटी नंबर लेना पड़े, हो सकता है ना लेना पड़े, अभी ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। थोड़ा सा और इस कानून को थोड़ा सा और पुराना होने दीजिए, धीरे धीरे एक एक परतें खुलेगी और आपको पता चल जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको एक सरल शब्दों में मैं बताना चाह रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग कानून आया क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का कानून आया क्या है। जो लोग भी आपको मैसेज करके परेशान कर रहे हैं उनके मुंह पे तमाचा मारिए, उनके मुंह पे तमाचा मारिए कि भैया जो तुम समझ रहे हो वो है ही नहीं, गंगाधर ही शक्तिमान नहीं है। यहां पे गंगाधर शक्तिमान नहीं है, गंगाधर दूसरा है और शक्तिमान दूसरा है। आप जो समझ रहे हो कि बैन हो गया है, बैन नहीं हुआ है, गाइडलाइंस आया है, कानून आया है, इसके मुताबिक जो भी कंपनीज काम करेगी वो सारी लीगल है और ऑलरेडी आपकी कंपनीज लीगल है। अगर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है तो आपकी कंपनीज लीगल है। डरने वाली उन कंपनीज की बात है जो इसके नाम पे फ्रॉड कर रहे थे, जैसे बाइक बोट आया था, एक ओसमास नाम की कंपनी आई थी, बहुत सारी कंपनीज आई है इधर हाल फिलहाल, उनके ऊपर लगेगा ताला। उनको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है डरने की। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आपका डर का आंसर मिल गया होगा और आपके अंदर से डर खत्म हो गया होगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।